जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और अमूमन तो मैं क्योंकि फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाता हूं, तो हम इंडिया पाकिस्तान भारत अमेरिका यही लगे रहते हैं। तो आज थोड़े डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे भी बात होनी चाहिए, और उसके लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो ये चुना है कि पाकिस्तान में मजहबी जमातें तो मजहबी सियासत करती हैं, वो तो उनका बनता है, लेकिन नोट ये किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर जिनको हम मुस्लिम डेमोक्रेट्स कहते हैं, जो PMLN हो गई, PTI हो गई, या मुस्लिम लीग कायदे आजम जिसे काफ लीग कहते हैं, चौधरी शिजात और परवेज अली साहब की जो जमात है, इन पार्टियों ने भी मजहबी सियासत करना शुरू कर दी है। ये ट्रेंड क्यों करके अमर्ज हो रहा है, इसके लिए मैंने बात करने के लिए तीन लोगों को रिक्वेस्ट की। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर ताहिर मलिक, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, मेरे साथ एलिया जहरा जर्नलिस्ट है नया दौर में, और मेरे साथ आरजू काजमी मौजूद हैं जो कि एंकर है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया। मैं ताहिर मलिक साहब पहला सवाल आपसे करूंगा। सर आप ये बताइए कि ये जो हाल ही में एक बिल पास हुआ है पंजाब असेंबली से, तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम बिल 2020, सर ये आप क्या समझते हैं कि, और इसके अलावा भी पंजाब असेंबली से एक मैंने छोटी सी करारदाद देखी जो IG के मर्दों को जो है वो दाढ़ी का कोई खास तरीका होना चाहिए और उस तरह बनवानी चाहिए, तो ये जो क्या आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर ये जो मेन स्ट्रीम मुस्लिम डेमोक्रेट पार्टीज कहती हैं, जो मजहब के नाम पे सियासत तो नहीं करती लेकिन अब वो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स करना शुरू कर दी है, और इंडिविजुअल बिल्स भी आ रहे हैं और मजहबी नोयत के बिल आ रहे हैं, आप समझते हैं इसकी क्या वजह है, और खासकर जो PMLQ है उनकी तरफ से शायद ये बिल आया है, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है कि मेन स्ट्रीम पार्टियां भी मजहबी सियासत की तरफ मुड़ गई हैं? जी मलिक साहब। एक तो आपका जो सवाल है और इब्तदाई है बड़ा मुफसल है, और इसके ऊपर तो बहुत रिसर्च हो चुकी है, थीसिस भी, और आप भी मेरे इल्म में है कि इस अहम मौजू पे PhD कर रहे हैं। तो ये तारीख रही है कि मजहब का जो कार्ड है या रिलीजियस इशूज है, और इस्लाम को गैर मजहबी जमातों ने भी इस्तेमाल किया, उसकी वजह यह है कि रिलीजन जो है वो मोबिलाइजेशन का सोर्स है। आपने लोगों को मोबिलाइज करना है स्ट्रीट पे, तो उसके लिए आप इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा या पॉलिटिकल एजेंडा के साथ, स्ट्रीट मोबिलाइजेशन इतनी इजी नहीं है कि जितनी मजहब के नाम पे है। तो एक तो ये है कि हम देखते हैं कि कायदे आजम हों, जुल्फकार अली भुट्टो हों, वो तारीख में और शख्सियात हो, उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के क़याम के बाद यहाँ पे जो स्टेट थी और उसको इंटरप्रेट जिस तरह पाकिस्तान मूवमेंट को किया गया, तो वो लाहौर से, जो आपने लाहौर का क्वेश्चन किया है, इस्लाम और नज़रिया पाकिस्तान की एक खास तशरीह की गई, और उस पर फिर शायद मीडिया भी था, जितना हमारे पास एक लाहौर का प्रेस रहा है, नवाए वक्त रहे हैं और जो दीगर अखबारात रहे हैं, उर्दू प्रेस रहा है, उन्होंने ये टर्म कॉइन की कि हम नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं, और इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान की तशरीह की, और आगे चल के फिर पोस्ट 1979 बल्कि जुल्फकार अली भुट्टो ने अपीजमेंट की पॉलिसी शुरू की, जो कि उनकी गलती थी। रिलीजियस वोट को अपीज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम लिए, मसलन अल्कोहल पे पाबंदी है, मसलन जुम्मे की छुट्टी है, और ऐसे अकलियतों को, MDO को के हवाले से कोई बिल पास हुए, तो उससे अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी, और उनके उनकी अपोजिशन थी रिलीजियस अपोजिशन, मजहबी जमातें उनकी मुखालिफ थी, तो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट चली निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, और फिर ज़ियाउल हक़ साहब इक्तदार में आ गए, तो वो उनके जेहन में था कि जो एंटी भुट्टो वोट है वो रिलीजियस वोट है, और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और फिर उस वक्त अगर आप देखें, क्योंकि आप IR के हैं, स्कॉलर हैं और पढ़ाते भी हैं, तो कुछ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी ऐसी चीज़ें हुई जिसके साथ पाकिस्तानी स्टेट का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अलायंस, ये जो बयानिया था, मिल गया। सेकंड फेज ऑफ कोल्ड वार था, अफगानिस्तान के अंदर प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट थी पाकिस्तान की, फ्रंट लाइन स्टेट, तो उसको सारी एक्टिविटी को जिहाद का रंग दिया गया। तो अब पोस्ट 9/11 स्टेट ऑल्दो रियलाइज कर रही है कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो रियासत को मजबूत नहीं होने दे रहे,
और नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर रिलीजियस एक्टर्स भी हैं, वो एक्टर्स भी हैं जो रियासत के वजूद पे यकीन नहीं रखते, लेकिन चूंकि ये इतने स्ट्रांग है और रिलीजियस वोट भी है तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज फिर पोस्चरिंग करती है। तो जहां तक आपका सवाल है क्यू लीग के बारे में, जो सेटबैक हुआ क्यू लीग का अगर आपको याद हो तो 2008 के इंतखाबात से पहले मजबूत तरीन जमात थी, नवाज शरीफ और बेनजीर दोनों एग्जाइल में थे और इनकी यहाँ गवर्नमेंट थी चारों सूबों में, और पंजाब के अंदर चौधरियों के जो एम इलेक्टेबल से बरादरियां थी, रिश्तेदार थे, वो काफ लीग के टिकट के साथ वाबस्ता थे। तो लाल मस्जिद क्राइसिस हो गया। लाल मस्जिद क्राइसिस में चौधरी शुजात हुसैन वन ऑफ द निगोशिएटर थे, और उसमें एक इरफान सदीकी साहब जो हमारे उस्ताद भी हैं और जर्नलिस्ट हैं वो भी है, इजाज़ उल हक साहब भी थे, और इजाज़ उल हक साहब रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ये कमेटी कन्वीन की। तो चौधरी शुजात साहब का ये फेलियर था कि वो नेगोशिएशन के जरिए उसको क्राइसिस को टर्मिनेट नहीं कर सके, और फिर वहाँ पर मिल्ट्री ऑपरेशन हुआ। जब मिल्ट्री ऑपरेशन हुआ तो वो एक पोलिटिकल इशू बन गया और नवाज शरीफ ने उसे पूरी तरह कैश कराया, दो इवेंट्स को, लायर्स मूवमेंट को, लाल मस्जिद को। जबकि काफ लीग और पीपल्स पार्टी, काफ लीग को मुशर्रफ साहब की दादी थी, पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उस इशू पे एक स्टैंड लिया कि किसी भी मौलवी को बंदूक के जोर पे शरीयत नाफिज करने की इजाजत नहीं होगी। और पंजाब में 2008 में पीपल्स पार्टी जीत गई, लेकिन उनकी मेजॉरिटी काफ़ी सीटों पे इन दो इश्यूज की वजह से कम हुई और नून लीग अच्छी खासी सीटें ले गई। तो जितने लोग जो उस वक्त देखे, चौधरी शुजात हुसैन, शेख रशीद, इजाज़ उल हक, गौर अयूब, ये सारे लोगों ने स्टांस चेंज कर दिया और ये लाल मस्जिद ऑपरेशन के खिलाफ हो गए कि ये नहीं होना चाहिए था, और मुशर्रफ के भी, क्योंकि ये अपनी पॉलिटिक्स बचाना चाहते थे। तो चौधरी ने भी ये लेसन लर्न किया। उन्होंने जब चकवाल से इलेक्शन लड़ा और उन्होंने गुजरात से लड़ा और अजला से लड़ा, तो वहाँ बड़ी कंपेन हुई कि ये लाल मस्जिद में मुशर्रफ के साथ थे। तो मेरे ख्याल से तब उन्होंने रियलाइज किया कि हमारी जो सियासत है उसका मैवर पैटर्नेज बेस्ड पॉलिटिक्स है, थाना कचहरी और धड़े की सियासत है, और हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, बाद में आई पीपल्स पार्टी गुजरात से ख़त्म हो गई, लेकिन पीटीआई की शक्ल में वहाँ वोट बैंक जमा हो गया। तो अब ये है कि रिलीजियस वोट जो है वो हमारे साथ अलाइन होना चाहिए, और इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि तरीके लबैक जब खादिम रिजवी वाली आई और उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली, तो उनके जो दो लीडरशिप है, एक खादिम रिजवी साहब पिंडी गए बटक से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर बाईगेट हो गए, दूसरे उनके पीर अफजल कादरी जो गुजरात के बेस्ड है, और गुजरात में उनका मदरसा और कंसिडरेबल बरेलवी और देवबंदी वोट बैंक है। तो उन्होंने वहां अपने कैंडिडेट्स भी फाइल किए और उनके कैंडिडेट्स ने हजारों में वोट लिए, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वोट। उसके बाद से फिर चौधरी जो शुजात हुसैन और फैमिली है, शुजात हुसैन और परवेज इलाही, इन्होंने एक को अपने आप को क्लियरली तबलीगी जमात के साथ अलाइन किया। मौलाना तारिक जमील साहब की जो तबलीगी जमात है उसका सबसे ज्यादा फायदा काफ लीग को होगा, और अब इमरान खान साहब बिठा रहे हैं, क्योंकि तबलीगी जमात का ये शुरू से ही एक मोटो रहा है और उनका कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे और हम सेक्टेरियन नहीं है हम लोगों के। लेकिन मौलाना तारिक जमील ने इस प्रिंसिपल को ब्रेक करते हुए चौधरी फैमिली के साथ, जो गुजरात के चौधरी हैं, उनकी ऑप्टिक्स ऐसे दिए कि भाई मेरे पसंदीदा लोग जो सियासत में, इमरान खान के आने से पहले की बात है जब परवेज इलाही साहब वजीर आला थे, कि उनकी आशीर्वाद अरबाब गुलाम रहीम को और कौमी क्रिकेट टीम को और के खिलाड़ियों को और चौधरी फैमिली को, और उसके बाद में फिर ये भी आ गया। तो अब जो ये चकवाल से उनके एक प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं क्यू लीग के और चौधरी शुजात फैमिली से उनके मरासिम हैं, चौधरी परवेज इलाही के बेटे और वो दोनों तबलीगी जमात के मदरसे से पढ़े हैं, हाफिज यासिर अमार और रासिख इलाही। तो परवेज इलाही साहब के बेटे जो रासिख इलाही हैं, वो उन्होंने अपनी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर दी और तबलीगी जमात में चले गए,
हाफिज यासिर अमार जो है तलागांग चकवाल में, वो MPA इलेक्ट हुए और वो प्रोविंशियल मिनिस्टर है, और वो उनका जिस क्लियरली डे वन से पॉलिटिक्स जो है वो रिलीजियस इश्यूज पे है, और अब वो ये बिल तैयार करते हैं। और उन्होंने इस तरह के पहले ये कहा कि कोरोना यहूदी साजिश है, चकवाल में उन्होंने तकरीरें भी की, और अनफॉर्चुनेटली वो खुद कोरोना के शिकार हो गए, तो उन्होंने वहां इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। अब ये जो सारे बिल्स हैं, क्योंकि तलागांग मियां वाली ये कंजर्वेटिव एरियाज है, और यहाँ पे उन्हें नजर आ रहा है कि नेक्स्ट इलेक्शन में PMLN और उन्हें टफ टाइम दे रही है, और तहरीके इंसाफ के वर्कर्स और अहदेदार भी उनसे खुश नहीं है, तो वो रिलीजियस जो कार्ड है उसको गुजरात में और चकवाल में ये खेल रहे हैं। और इमरान खान साहब ने जो मौलाना फजल रहमान को डील करने के लिए जहांगीर तरीन के जरिए मुजाकरात किए, उससे भी उनमें ये कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि देखिए मौलाना साहब का जो मार्च था और वो उनके इश्यूज रिलीजियस थे, लेकिन मजहबी तबका चौधरी शुजात साहब का एहतराम करता है और हमने ये क्राइसिस अवॉइड किए। बिल्कुल एक पहलू ये, और लास्ट में कमेंट, आप बाकी सारे पैनलिस्ट मेरी गुफ्तगू से बोर हो रहे होंगे, इनके इश्यूज पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इश्यूज क्या है कि मर्जी के अफसरान चाहते हैं, पटवारी, तहसीलदार, कमिश्नर, DC, तरक्याती फंड चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, सही है, और उसमें ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि PTI की गवर्नमेंट उन्हें बुज़दार, एक तरफ बुज़दार इन्हें अपने लिए थ्रेट समझते हैं, तो बुज़दार ने इन्हें फ्रस्ट्रेट किया है, और दूसरा चीफ मिनिस्टर बुज़दार और इमरान खान साहब एक पेज पे है। तीसरा जो सबसे बड़ा चीमा साहब इनके लिए सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है कि देखिए ये हमारी पॉलिटिकल एलीट है, जिस तरह नवाज शरीफ फैमिली पॉलिटिकल एलीट है और भुट्टो खानदान एक पॉलिटिकल एलीट है, तो ये चौधरी जहूर इलाही की तीसरी नस्ल है। चौधरी जहूर इलाही साहब सियासत में आए, पॉलिटिकल एलीट बने, फिर शुजात परवेज इलाही आए, वजात आए, अब जो तीसरी नस्ल है वो शरीफ खानदान की लांच हो चुकी है, मरियम नवाज की शक्ल में, हमजा शहबाज की शक्ल में, बिलावल भुट्टो की शक्ल में, फातिमा भुट्टो की शक्ल में, और आसफा भुट्टो और बख्तावर भुट्टो की शक्ल में, लेकिन चौधरी खानदान की जो तीसरी जनरेशन है उसकी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। और मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा बेस्ट टाइम था जब परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो मोनस इलाही एक्टिव हुए और लाहौर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट की गई, वहां से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो 2008 का इलेक्शन वो हार गए लाहौर से, और अब भी वो उनकी भरपूर कोशिश है कि दो लोग, चौधरी शुजात साहब का बेटा और मोनस इलाही को मिनिस्टर लिया जाए, लेकिन इमरान खान साहब का स्टैंड ये है क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के मुकदमात है और नैब इंक्वायरीज है, तो ऐसे किसी शख्स को मैं मिनिस्टर नहीं लूंगा। आपको याद होगा कि बाबर अवान साहब को एडवाइजर लिया गया था तो नंदीपुर प्रोजेक्ट में उनका नाम आ गया, उनको दोबारा फिर कैबिनेट से कहा गया कि आप क्लियर करवाएं। बिल्कुल सही। अभी जो नैब की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक क्लियरली इम्प्लिकेटेड है ये बच्चे भी, मोनस इलाही और ये, और लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन का बायस है। वो कहते हैं कि अब नहीं कि कब, अब नहीं तो कब, अगर इस दौर में भी हमारे बच्चों की लॉन्चिंग नहीं होती तो आने वाला दौर तो हो सकता है कि वो PTI और काफ लीग का नहीं होगा। तो ये मेरे चंद मारूजात थे। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और बैकग्राउंड के साथ हमें बताया कि इस लेजिस्लेशन के पीछे वजूहात हैं, लेकिन असल में जो बात है वो फ्रस्ट्रेशन है, और वो जो PMLQ की जो एक्सेप्टेंस नहीं हो रही उसकी फ्रस्ट्रेशन है। एलिया मैं आपके पास आऊंगा, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और बड़ा इन इश्यूज को कवर भी करती हैं, लिखती भी हैं, मैंने ट्विटर पे भी देखा आपकी वेबसाइट जो नया दौर है वहां पे भी आप इसको कर रही हैं, आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की हुई, आपके नया दौर ने भी रिपोर्टिंग की है। मैं आपसे पूछूंगा एज ए जर्नलिस्ट, आप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को काफी कवर करती हैं, मुझे ये बताएं आपके अंदाज में या आपको क्या लगता है कि ऐसी क्यों लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी कि तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुसलमान हैं और इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन है इस मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद प्रोविंशियल असेंबली में पंजाब में एक नई लेजिस्लेशन लेके आना, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक्टिविस्ट, आप क्या समझते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ी सियासी जमातों को? देखिए जी, मैं ताहिर साहब ने जो बात की उससे अग्री करती हूँ कि रिलीजन जो है उसको बिल्कुल कूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे सियासतदानों की जानिब से, कि जब उनको पता चलता है कि दे आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर, उनका पब्लिक ओपिनियन जो है वो उनका उनके फेवर में नहीं जा रहा, उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो
तो मजहब का सहारा लेते हैं रेलिवेंट रहने के लिए, क्योंकि मजहब एक ऐसी चीज है हमारी सोसाइटी के अंदर कि वो सेंसिटिव है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। अगर आप कोई मजहबी इशू है जिसके ऊपर वो वोट्स मांग रहे हैं या बात करें, उस पर अगर आप सवाल उठाते हैं कि नहीं आप ऐसे ना करें, तो वो आपका मजहब जो है वो भी क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और तौहीन रिसालत के फतवे शुरू हो जाते हैं, और फिर आपको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके निकलते हैं उस इंसान के लिए जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाओ। तो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं जिन्होंने इस तरह की बात की, उनके उनके ऊपर अटैक्स हुए। एहसन इकबाल जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उनके ऊपर TLP के लोगों ने अटैक किया, एक सिटिंग मिनिस्टर जो था वो एक्सट्रीमिस्ट लोगों का निशाना बन गया। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि इवन द पार्टीज हु कॉल देमसेल्व्स प्रोग्रेसिव, सिर्फ रिलीजियस पार्टीज नहीं, जो सो कॉल प्रोग्रेसिव पार्टीज भी हैं, वो भी जब उनको मौका मिले तो वो मजहब का इस्तेमाल करती हैं और अपने वोटर्स को जो है वो करने के लिए। आप देखें कि ये जो पार्टीज हैं, इमरान खान जो है वो वैसे तो जब अभी पावर में नहीं आए थे तो ही यूज्ड टू से कि मैं तो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान चाहता हूँ, और उनका एक मतलब आउटलुक उन्होंने अपना लिबरल बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है वो भी मजहब का सहारा दिया। PMLN के खिलाफ फैजाबाद का जब धरना हो रहा था तो वो TLP का धरना था और बिल्कुल उसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं था, वो उन्होंने उसको सपोर्ट किया इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये गलत बात है, आप नहीं इस तरह कानून अपने हाथ में ले सकते। तो ये ऐसा चलता रहता है और ये अनफॉर्चुनेट है कि ये पाकिस्तान के सियासतदान इससे सबक नहीं सीखते कि अपीजमेंट नहीं काम करती। हमारे पास एग्जाम्पल्स है भुट्टो ने जो किया, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमदियत केस को जो है वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया और ये सोच के कि ये जो इंतहा पसंद तबका है वो उसकी फेवर उनको मिल जाएगी, लेकिन आप देखें कि इंतहा पसंद तबका जो है उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और वो इतना हुआ। तो वो अपीजमेंट, और अभी रिसेंटली इमरान खान की भी एग्जाम्पल आपके सामने, इमरान खान ने भी मजहबी लोगों को जो है वो वू किया था इलेक्शन से पहले, लेकिन आप देखेंगे जब वो गवर्नमेंट में आए उन्होंने आतिफ मियां को जब अपॉइंट किया इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसके ऊपर जो है उन्होंने इतराज उठाया मजहबी तबके ने कि ये आप एक अहमदी फेथ से ताल्लुक रखने वाले इंसान को कैसे हुकूमत में ला सकते हैं, और फिर इमरान खान के खिलाफ भी उसी तरह से कैंपेन चली, फिर वो इमरान खान ने यूटर्न ले लिया उसके ऊपर। लेकिन आप देखें जब भी ऐसा कुछ होता है, अभी रिसेंटली वो माइनॉरिटी कमीशन के अंदर अहमदी को शामिल करने की बात कर रहे थे तब फिर हुकूमत के खिलाफ ही हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अपीजमेंट जो है वो नहीं काम करती, आप जितना भी इन इंतहा पसंद कुव्वतों के साथ कर ले। जहां तक इस बिल की बात है, तो आई थिंक बहुत इलॉजिकल है अगर आप इसको, ये तो मेरे ख्याल से हम पुराने वक्तों की तरफ वापस जा रहे हैं जब जियाउल हक के टाइम पे इस तरह होता था कि आपको अनप्रेसिडेंटेड पाबंदियां लगती थी। ये हमें नाजी जर्मनी में इसकी मिसाल मिलती है कि किताबों को जो है वो जला दिया जाता था पब्लिकली और उनके ऊपर उनको कॉन्फिस्केट किया जाता था, पब्लिशर्स को धमकियां दी जाती थी। उसका मकसद सिर्फ एक होता था कि सच को आपने रोकना है, आपने हुकूमत के खिलाफ जो नैरेटिव है उसको जो है कहीं भी आने नहीं देना। तो ये आप देखिए हमारे स्कूल्स के अंदर ये इन्होंने इसके अंदर इतना एब्सर्ड है, अगर आप इसको पढ़ेंगे, DGPR को जो है वो अनप्रेसिडेंटेड पावर्स मिल गई हैं कि वो जाके किताब पब्लिश होने से पहले ही, आप किताब पाकिस्तान से बाहर होती है उधर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, अगर ब्लास्फेमस है, अगर एंटी स्टेट है, अगर तो आप उसको बैन कर सकते हैं और उसको पब्लिशर को जो है आप कह सकते हैं कि कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये अब आप देखें कि हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत पहले से क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका रिवाज जो है उसके खिलाफ हुकूमत रियासत एज अ होल हॉस्टाइल है। शुरू से आप देखें जब से पाकिस्तान बना है तब से हमारी करिकुलम के अंदर इतनी ज्यादा सेंसरशिप हुई कि हमारे जो रियासत का बयानिया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वो करिकुलम बनाया गया। हमारे बच्चों को जो है गवर्नमेंट स्कूल में आप देखें उनको सिर्फ रोट लर्निंग वहां पर होती है, वहां पे आपकी मेमोरी का टेस्ट वो लेते हैं इम्तिहान के अंदर कि आपने कितना अच्छा उसे याद किया है, वो ये नहीं लेते कि आपकी रिसर्च स्किल्स कैसी हैं, आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं, वो सवाल उठाने को इनकरेज नहीं करते उसको जो है वो कलर। और हमारी हिस्ट्री के अंदर इतनी सेंसरशिप हुई, आप देखें कायदे आजम की जो 11 अगस्त की स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत को और मजहब को जो है वो अलग अलग रहना चाहिए और रियासत के अफेयर्स के अंदर मजहब का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, उस स्पीच को सेंसर किया गया। आप सोचें कि पाकिस्तान की जो बानी है उनको उनकी स्पीच को सेंसर किया। उसके अलावा जो है फातिमा जिना का जो रोल है हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता, हमें नहीं पता कि फातिमा जिना जो है वो उन्होंने किस तरह से एक डिक्टेटर के खिलाफ स्ट्रगल की थी। उनका रोल बस यहाँ तक महदूद है कि वो पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी तो वो कायदे आजम की शाना बशाना खड़ी होती थी, फिर जब पाकिस्तान बन गया तो बस वो फिर चली गई, उसके बाद उनका कोई हमें नहीं मिलता। तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो बिल्कुल खत्म है पाकिस्तान। और अगर कोई प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं कोशिश के मतलब थोड़ी सी अगर वो अपने तरफ से क्रिटिकल थिंकिंग लाते हैं या कुछ ऐसा ले आते हैं जो रियासत के नैरेटिव से हटके हो तो उसको हुकूमत दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, और ये जो बिल है ये भी उसी सिलसिले की कड़ी। और आप देखिए पहले से पंजाब में ऐसा हुआ है, एक पहले भी
पंजाब असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन जनवरी के अंदर जो है एक कमेटी ने ये वो दो कुछ बुक्स थी, एक लेस्ली हेजर्टन की ये आफ्टर द प्रॉफिट जो कि पता नहीं कितने सालों से 2009 के और लोगों ने पढ़ भी ली होगी, अब जाके उनको पता चला कि उसे बैन करना है, वो उन्होंने बैन कराए। एक और किताब है मुझे उसका नाम नहीं याद, वो भी इसी तरह की कोई रिलीजियस इशू के ऊपर है, वो उन्होंने बैन जो है करने का रिकमेंडेशन दी। और इसके अलावा आपने जो शुरू में जिक्र किया कि वो दाढ़ी जो है उसके खिलाफ, दाढ़ी ट्रिम करने के खिलाफ रेजोल्यूशन उन्होंने पास की, अब ये आप देखें कि ये ज़ियाउल हक के टाइम पर होता था। और मेरे ख्याल से तो जो अब ये लॉज एक और जो है वो बात की जा रही है कि ये कानून जो अब हो गया है कि आपने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री आपको नहीं मिलेगी अगर आपने जो है वो कुरान जो है उसको आपने वो करना है पढ़ना है, तो वो ये तो ज़ियाउल हक के टाइम पे भी नहीं ऐसे होता था कि बैचलर्स की और मास्टर्स की डिग्री के ऊपर ये रिक्वायरमेंट हो, आपको वो होता था कुछ दुआएं कनूत सुनानी पड़ती थी आपको और टेस्ट क्लिप इंटरव्यू देते वक्त, तो ये तो उस दौर से भी ज्यादा बढ़ के ये पाबंदियां लगा रहे हैं जो कि आई थिंक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सारी प्रोग्रेसिव कुवतों को इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए वरना पाकिस्तान जो है वो पीछे की तरफ जाएगा आगे जाने के बजाय। जी एलिया ने बड़ा उसको एक कॉम्प्रिहेंसिवली बताया है कि ये एक पूरे का पूरा जो आपका जो पॉलिटिकल अपरेटस है ये बेसिकली जा रहा है मजहब का इस्तेमाल करते हैं, जब इनकी सोसाइटी लेजिटिमेसी खत्म होती है, जब सोसाइटी में इनको पता चलता है कि हमें वोट कम मिलेंगे या पॉपुलैरिटी ग्राफ कम आ रहा है या हमें अब क्या करना चाहिए, तो ये वो जो पुराने इश्यूज हैं मजहब हो गया, कश्मीर हो गया, इसको पकड़ते हैं ताकि दोबारा सोसाइटी में हम जो है वो हमें जो है वो स्पेस मिल सके या उनके बयानिए को। हमारे साथ आरजू काजमी भी मौजूद हैं, आपका बड़ा शुक्रिया, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा, उसकी वजह ये थी कि ताहिर मलिक साहब ने कहीं जाना था तो वो हमारे साथ था नहीं रहे, अब चले गए हैं। आरजू मैं आपसे पूछूंगा, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे मुसलमान हैं और यहाँ पे तमाम मजाहब जो हैं वो उनको रिस्पेक्ट भी है और पहले भी मिल रही थी और अभी भी जारी बातें मिलेगी, आपके नजर में ये जो कानून आया है तहफ्फुज़े बुनियादे इस्लाम, मतलब 97% एक बयानिया ये आता है, एक मौकफ ये आता है कि इस मुल्क में 97% या 96% लोग मुसलमान है, तो भाई हमें तो कोई यहाँ पे इस मुल्क को कोई काफर नहीं कर सकता, इस मुल्क की कोई बुनियाद नहीं बदल सकता, ये नहीं हो सकता कि देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना हो तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, उतनी मेजोरिटी चाहिए, उतने लोग चाहिए होंगे, तो ये हम बार बार इतनी मजहबी लेजिस्लेशन खासकर काफ लीग की तरफ से इसके आने की वजूहत क्या है, एज ए जर्नलिस्ट आप इसको कैसे रीड करती है? हाँ चीमा साहब, सबसे बड़ी बात ये कि जहां तक मैंने थोड़ा बहुत इस्लाम पढ़ा है तो उसमें यही कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो तालीम हासिल करने का कहा गया वो इस्लाम में कहा गया है, लेकिन अफसोस के साथ सबसे ज्यादा जाहिल जो है वो इस्लाम में ही है। आप जैसे कह रहे थे यहाँ पे हम सब मुसलमान हैं और हर तरह के जो लोग यहाँ पे दूसरे मजाहिब के रहते हैं उनको तमाम राइट्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम सब यहाँ पे मुसलमान नहीं है, यहाँ पे दूसरे लोग भी रहते हैं जो किसी और मजहब को मानते हैं वो भी रहते हैं और उनके साथ जो ज्यादती होती है और उनके साथ जो जुल्म होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। एक जरा सा मंदिर बनने जा रहा था तो यहाँ पे सबका इस्लाम खतरे में पड़ गया, यहाँ पे ये एक आदत सी बन गई है लोगों की कि वो मजहब को बेचते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाहिद इस्लामिक कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों को मार मार के मजीद मुसलमान बनाया जाता है, यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद क्यों, बाकी कंट्रीज भी तो है ना, जैसे दुबई है और इसी तरह से बेशुमार इस्लामिक कंट्रीज है जो कि हमसे आगे हैं, हम जहालत में ही पीछे जा रहे हैं। कल भी मैं एक डिबेट देख रही थी एक इंडियन चैनल पे और हमारे यहाँ के 3 पैनलिस्ट गए हुए थे तो एंकर ने उनसे पूछा कि अगर आप लोग कोई डोनेशन देंगे मंदिर बनने के लिए तो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे, हर कोई आए बाएं चाएं कर रहा था, किसी एक से भी ये नहीं कहा गया कि हाँ जी मैं डोनेशन दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को उससे कोई नुकसान नहीं होता, मुझे कोई मुसलमान होने से निकाल नहीं देगा, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा, सब अपनी अपनी इधर उधर के कबूतर उड़ाते रहे बैठ के, लेकिन ये बात नहीं कही। हमें इतना डरा दिया गया है कि अगर हम जरा सा भी कुछ गलत कह देंगे जो उनकी लोगों की मर्जी के खिलाफ होगा मौलवियों की और जो सो कॉल्ड रिलीजियस स्कॉलर्स हैं तो यहाँ पे देखा जाएगा ना सुना जाएगा ना पूछा जाएगा, सीधे सीधे मार दिया जाएगा। पाकिस्तान में किसी को मार देना बहुत आसान काम है, आप किसी के ऊपर भी कह दें जी ब्लास्फेमी लॉ लगा दें, इसने ये कह दिया वो कह दिया और उसके बाद मार देते हैं। हिस्ट्री में जब हुजूर अकरम थे तो आप मुझे बता दें
कि कौन सा वाकया था जिसमें उनको किसी ने कुछ कहा और उसके ऊपर लोगों ने उस इंसान को मार दिया। कभी भी हमें हिस्ट्री में एक सिंगल चीज हम नहीं बता सकते। यहाँ पे मौलवी जो है वो हर एक का अपना अलग अलग जैसे मजहब है, हर एक का अलग इस्लाम है, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा। अहमदीज है, अहमदीज को हम मुसलमान तो क्या हम उनको इंसान ही नहीं समझते, किसी जगह पे उनको नहीं जाने देंगे। हाँ अगर मौलाना फजलुर रहमान ने ऑपरेशन करवाना होगा, अपना बाईपास कराना होगा तो वो अहमदी से करवा लेंगे, लेकिन अगर कोई अहमदी हमारी हुकूमत में किसी पोजीशन पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकते। ये बात हम मानने को तैयार ही नहीं है कि वो हमसे ज्यादा काबिल है, वो हमारे ही तरह के लोग हैं। ना सिर्फ वो पाकिस्तान में कौन सी पोजीशन पे आपको नॉन मुस्लिम नजर आता है, हम बड़े नारे लगाते हैं इंडिया ये कर रहा है, चाइना वो कर रहा है मुसलमानों के साथ, कोई ये कर रहा है, कोई अपने आप को देखते नहीं, अपने मुंह की कालक हमें नजर नहीं आती, हम सिर्फ दूसरे को कहते हैं और यही कह के हमने अपने मुल्क को एक तरह से तबाह कर दिया है। और जो नई जनरेशन आ रही है अब उसके जहनों में हमने यही जहर जो है वो भरा हुआ है। और आई एम वरीड के आगे जाके शायद हमारे जैसे जो हम 3 लोग या 4 लोग बैठे थे, हमारे जैसे लोग भी नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी किस्म के फ्रेनेटिक किस्म के मौलवी बैठे होंगे जो कहते हैं तस्वीर हराम है, मोबाइल हराम है, और ना कैमरे से हटने को तैयार है ना मोबाइल छोड़ने को तैयार है। हर चीज भाई ऊंट पे जाओ नाच करते, क्यों जहाज में बैठते हो, क्यों काफरों की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं। मुझे तो सच्ची चीमा साहब आप हंस रहे हैं कि मैं यकीन करें, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है लोगों के ऊपर कि इन्हें कोई काम नहीं, अजीब अजीब किस्म के बिल लाते रहते हैं, ना हेल्थ पे काम करते हैं ना एजुकेशन पे काम करते हैं, लोग यहाँ पे भूखे मर रहे हैं, बिल देने को पैसे नहीं है, किसी का ऊपर कुछ काम नहीं हो रहा। हाँ मजहब को पॉलिश कर करके लेकर आते हैं, हर एक अपना मजहब ला के वो बताएगा कि मैंने और जहरा ने दुपट्टे क्यों नहीं पहने, चीमा साहब ने दाढ़ी क्यों नहीं रखी, दाढ़ी का डिजाइन क्या होना चाहिए, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं दिमाग खाली हो गए लोगों के। तो ये जारी बात है, आप आरजू का एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने वो दिया है पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह एलिया ने भी बड़ी मुझे एक तो ये कि आप दोनों यंग हैं और अपनी यंग ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक जारी बात है ये सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है कि जारी बात है इस सोसाइटी में सारे लोग इस तरह का नहीं सोच रहे कि सोसाइटी को जो रिलीजियोसिटी ज्यादा हो जानी चाहिए, इस तरह का भी लोग सोच रहे हैं कि शायद हमें मॉडरेट रहना चाहिए या प्रोग्रेसिव थॉट्स होने चाहिए। तो एलिया अगर मैं आपके पास ये सवाल लेके आऊं कि आप क्या समझती हैं कि इस बिल के आने से, जो कि मैं तो हम समझता हूं कि हम सारे के सारे जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें मुसलमान ही रखे और इस्लाम और हम कुरान को तहफ्फुज भी करें, उसकी बुनियादों का भी तहफ्फुज करें, इससे ये नहीं होता कि जब इस तरह का बिल आता है तो कई लोगों को उसमें इनसिक्योरिटी हो जाती है, उसका मिसयूज हो जाता है। अगर मैं मिसयूज की बात कर लूं, क्योंकि देखें सारे के सारे इस्लाम में तमाम लोगों को भले मुसलमान हो या ना हो आपको आपके राइट्स मौजूद है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मौजूद है, तो इसके मिसयूज खासकर ये जो किताबों के हवाले से मिसयूज है कि वो जी मैथमेटिक्स की बुक में क्योंकि एक वो पिग था तो वो हटा दो वहां से, बुक ही जो है वो खत्म कर दो। अब बुक जो है वो उसको कौन देखेगा, उसकी कौन हर बुक को सुना 10,000 किताबों को वो दोबारा पढ़ेंगे कि जी इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान हो। तो आप क्या समझती हैं कि इस पे ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चरल ये कोई बुनियादी तौर पर नजरियात बदलना चाहते हैं मुल्क के जो कि ऑलरेडी हम सारे मुसलमान हैं, या ये किताबों को क्यों चेंज करना चाहते हैं? एलिया इसमें आपका क्या मौका? देखिए आपने सही कहा था कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के ऊपर, हमारा नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे कोई लेजिस्लेशन ऐसी नहीं होगी जो इस्लाम के खिलाफ हो। हमारे पास एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है जो इंश्योर करती है कि कोई ऐसी करारदाद या कोई ऐसी बिल ना पास हो, और वो लाइक ऑफन टाइम्स वो अपने मैंडेट से ज्यादा भी बढ़ के अगर कोई प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन भी हो रही हो तो उसे भी रोकने की कोशिश करते हैं वहां पर। और हमारा मजहबी तबका जो है उसको इतनी ज्यादा इम्प्यूनिटी हासिल है, इतनी ज्यादा ताकत हासिल है कि वो कभी भी ऐसी कोई बात जो है जो इस्लाम के खिलाफ ना हो, थोड़ी सी प्रोग्रेसिव हो, और इस्लाम के दायरे के अंदर रहते रहते वो प्रोग्रेसिव वैल्यूज को जो है वो करने की कोशिश कर रही हो, माइनॉरिटीज को तहफ़ देने की कोशिश कर रही हो, खवातीन के हकूक को तहफ़ देने की कोशिश कर रही हो, उसे वो रिजिस्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये हमारे पास मुझे ये समझ में नहीं आती कि इतनी सारी मतलब ये कहाँ पाकिस्तान में तो एक आप लफ्ज नहीं लिख सकते कोई इस तरह का जो इस्लाम के खिलाफ हो या वो हो। जैसे कि हमें पता है कि जो तौहीन-ए-रिसालत का कानून है उसका किस तरह से मिसयूज होता है,
कितने सारे इंस्टेंसेस ऐसे हमारे सामने मौजूद हैं जिसमें इस कानून को मिसयूज किया गया और जो इसके विक्टिम्स बने उनको फिर फांसी दी गया। आसिया बीबी की एग्जांपल आपके सामने है कि उन्होंने 8 साल से ज्यादा गुजारे जेल के अंदर और बाद में कोर्ट ने बता दिया कि कोई ऐसी नहीं हुई थी, ब्लास्फेमी नहीं हुई थी, वो उन्होंने पर्सनल उनका कोई वो झगड़ा आपस में चल रहा था उन लोगों का जिसके ऊपर वो उन्होंने ब्लास्फेमी लॉ का इस्तेमाल करते हुए उनको कर दिया। अब हमारे जस्टिस सिस्टम को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था क्या कि वो आसिया बीबी जो है उन्होंने 8 साल जो जेल में गुजारे और वो झूठे केस के ऊपर, और इसके अलावा और बहुत सारे केसेस हैं। एक एग्जांपल है आपको आई एम नॉट श्योर इफ यू नो जुनैद हफीज जो है प्रोफेसर मुल्तान से, उनको जो है वो भी अभी जेल में है, उनको जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया है ब्लास्फेमी लॉ के तहत, और उनके ऊपर सिर्फ ये है कि वहाँ जो मुल्तान में वो पढ़ाते थे कुछ प्रोग्रेसिव वैल्यूज पढ़ाते थे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को, और उसकी वजह से एक ग्रुप था उनकी वहाँ पे बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी का जिसने उनके ऊपर इल्जाम लगाया ब्लास्फेमी का, और बगैर किसी एविडेंस के बगैर किसी जो है उसके प्रूफ के उनके ऊपर जो है वो केस लॉन्च किया गया, और अब वो जो है वो 6 साल से ज्यादा हो गए वो सलाखों के पीछे हैं, और उनको जो है उनके एक लॉयर जो है राशिद रहमान उनको कत्ल कर दिया गया था, और अब उनके जो दूसरे लॉयर हैं उनको भी धमकियां मिल रही हैं, और उनको अब रिसेंटली जो है उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, और वो बिल्कुल ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं। मतलब मैंने उस केस को पढ़ा है, रिपोर्ट किया है, उसके अंदर जो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, उनकी जो डिवाइसेस हैं वो पुलिस ने कॉन्फिस्केट करके टैम्पर की, उनके खिलाफ एविडेंस बनाया गया, मैनिपुलेट किया गया, और उनको जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो इन केसेस के अंदर जो है वो इंसाफ करने के बजाय जो इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं उनका साथ देती है, फेल हो जाती है। तो ये जो बिल है ना इसको मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बनती कि यहाँ पे पहले ही हमारा इस तरह का है कि प्रोग्रेसिव आप एंटा इस्लाम तो दूर की बात है, आप तो कोई ऐसी बात ही नहीं कर सकते जो थोड़ा सा मॉडरेट हो, जैसे आपने शुरू में कहा जो थोड़ी सी वो प्रोग्रेसिव किसी बात को जो वैल्यूज को सामने लेकर आए। तो ये किताब में कौन सी है जिनके अंदर इतना ज्यादा मवाद है कि जो जिनको ये बैन करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से सिर्फ जी जी आरजू आप क्या समझती हैं कि जिस तरह एक पॉइंट एलिया दे रही हैं कि ये कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको ये बैन करना चाह रहे हैं, तो ये क्या किताबें बैन करना या उस तरह ये एक जो कानून साजी है इससे किस किस्म की किताबें बैन हो सकती हैं आप समझती हैं? क्या कोई ऐसी किताबें लिखी गई होंगी या ऐसा करिकुलम आया होगा जिसको जो है वो बैन करना चाहिए, या आप समझती हैं कि मुस्तकबिल में जो है वो उसके लिए ये कानून बनाया गया कि कोई इस तरह की किताब ना लिखी जाए जो कि कानून और इस्लाम और इन चीजों के खिलाफ हो, जबकि ये चीजें तो हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्या देखती हैं, ये फ्यूचर के लिए है या किस चीज की लिए ये इस लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ गई है हमारे लेजिस्लेटर्स को? चीमा साहब सबसे पहले तो ये कि इस्लाम को किसी चीज से खतरा नहीं है, कि ये लोग जो जिस तरह से बुक्स को कह रहे हैं बैन करने के लिए इसमें ये है वो बाकी चीजों को आप रोक नहीं सकते, चले अगर आपके हिसाब से वो चीज ठीक नहीं है आप उसे पब्लिश नहीं होने देंगे, लेकिन इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट पे लोग कुछ भी पढ़ सकते हैं देख सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ तो ये हमेशा से रिवाज रहा है कि हम अपनी हिस्ट्री भी जो है वो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के उनको हम गलत हिस्ट्री बता रहे हैं, हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब वो लोग हैं जिनका यहाँ पे कोई रोल नहीं था पाकिस्तान में, जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिन्होंने शायद कदम भी नहीं रखा पाकिस्तान में, वो हमारे हीरो हैं, और जो हमारे हीरो हैं हम उनका नाम ही नहीं लेते, चाहे वो डॉक्टर अब्दुल सलाम हो या कोई हो या हूद भाई हो, हम उनका नाम भी नहीं लेते। तो इसी तरह से बेसिकली हम बच्चों का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं और उसमें उनको रोकना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जो नॉन मुस्लिम है, अगर इनको हर जगह यही कहना है कि कुरान पढ़ाया जाए तो जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए भी एक हिसाब होना चाहिए कि वो अपने मजहब की किताब पढ़ेंगे, अगर कोई क्रिश्चियन है उसको स्कूल कॉलेज में बाइबल पढ़े, बाइबल का एग्जाम दे, अगर कोई हिंदू है तो वो गीता पढ़े उसके एग्जाम्स दे, सिर्फ हर एक को पकड़ पकड़ के आप जबरदस्ती का मुसलमान अपने हिसाब से बना रहे हैं। आपके सामने तो शिया भी नॉन मुस्लिम है, शिया के ऊपर भी आप जो है वो कह देते हैं कि नहीं वो उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की चीजें लाके लोगों को रोकना, बच्चों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना, गलत तरीके से मजहब पर सिखाना, ये तो हमारे हमेशा से रिवाज रहा है। हम जगहों के नाम बदल देते हैं और ऐसे ऐसे नाम, जैसे लालपुर फैसलाबाद उसका नाम रख दिया है। मुझे बताएं शाह फैसल कब किया था लालपुर, कब उसने वहां पे जाके कदम रखा था, कब चाय पी थी, कब पकौड़े खाए थे, मुझे तो पता नहीं, अगर किसी को पता है तो मुझे बता दे। हमारे यहाँ तो सऊदी अरब की हम ऐसे जैसे सऊदी अरब हमारा माई बाप लगता है,
हर चीज में हम सऊदी अरब को फॉलो करेंगे, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, वो अमेरिका जो कहता है सऊदी अरब वही करता है, ये चीज हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हाँ, भारत हमारा दुश्मन है, जो हमारी जबान समझता है, हम जिसके जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसके जैसे दिखते हैं, जिसके जैसे बोलते हैं, जिसके जैसे खाने खाते हैं, वो हमारा दुश्मन है। वैसे दुश्मन तो है ये, तो आप ये करें, समझ नहीं आती, दुश्मन तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं नहीं चीमा साहब, उनकी पॉलिसीज से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसे दुश्मन नहीं कह सकते, क्योंकि पॉलिसीज हमारी भी ऐसी हैं जो बहुत सी कंट्रीज को पसंद नहीं है। हम ऐसे ही तो एफएटीएफ में नहीं गए हुए ना, हमें कोई हार पहना के हमने कोई अच्छा काम तो नहीं किया था जो हमें एफएटीएफ में डाला गया है। हमारी पॉलिसीज के ऊपर भी हमें देखना चाहिए, जब तक हम अपनी गलतियां नहीं निकालेंगे नहीं सही होगा कुछ। हाँ, चाइना हमारा दोस्त है, चाहे वो हमें 200 जूते मारे हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं है, ना भारत परफेक्ट है, ना चाइना और ना हम, सिर्फ हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखना होगा। और जहां तक ये मजहब की बात लेके बार बार आ रहे हैं, ये इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई ईरान की टाइप का या सऊदी अरब की तरह के कोई रिवाज लाना चाह रहे हैं कि औरतें ड्राइव ना करें, औरतें बाहर ना निकलें, वो जो एक जन्नत का तसव्वुर है ना कि 70 हूरें मिलेंगी, बस उसमें ही रहते हैं मुसलमान और उनको बस वही चाहिए, बाकी जो है वो कहीं आगे नहीं बढ़ते। यूरोपियंस हमसे इसीलिए आगे निकल गए कि उन्होंने पढ़ाई की है, मजहब के साथ नहीं चले हैं वो इतना ज्यादा। ठीक है, खुदा सबका एक है, अगर हम मुसलमान हैं और हम यकीन करते हैं कि खुदा एक है, तो हमारा खुदा और बाकियों का खुदा अलग कैसे हो सकता है? हाँ, उसको मानने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं। तो हम अगर खुदा को जो है उसकी कई बातों को माने और पढ़ाई पे तवज्जो दें और इस तरह की बेकार की बातें जो किसी जमाने में कहीं कुरान तक में नहीं लिखी हुई उसको ना करें, और खासतौर पर जो पार्लियामेंटेरियन हमारे हैं, पता नहीं कहाँ से छांट के अल्लाह ने हमें दिए, इंतहा के जाहिल और जो इन्हें वोट देते हैं, कोई वोट नहीं देता चीमा साहब, ये लोगों के आईडी कार्ड रख लेते हैं ये वडेरे, और जिस जो यहाँ पे गाँव में, मैं आपको बता रही हूँ, आप ना माने, उनको वोट देने का हक तक नहीं है। वो जहाँ पे बताएंगे जी ये बेड पे लगा देना, बॉल पे लगा देना, छतरी पे लगा दे, वो बेचारे जाके लगा देते, उनको क्या पता क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड मैं इस पे आपसे इख्तलाफ करूंगा दो तीन चीजों से। पहली बात तो ये है कि अगर ये मैं कह दूं कि 222 मिलियन या 220 मिलियन लोगों में से अगर लेट से 130 मिलियन जो तकरीबन मैं कितने कहूंगा 225 करोड़ वोट पीएमएलएन को मिले हैं, 2.25 करोड़ पीटीआई को मिले हैं, तो वो सबने इसी तरह लोगों के आईडी कार्ड ले लिए, तो ये थोड़ा जनरलाइज कर देना मेरा ख्याल है गलत होगा। हाँ, कहीं कहीं पॉकेट्स में ऐसे होता होगा और मैं इसमें ये डिनाई नहीं करता, लेकिन एक जनरल में ऐसे नहीं होता। और दूसरी, भारत के हवाले से मैं भारत को समझता हूँ कि भारत हमारा पिछले 72 साल से दुश्मन है, और जो उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान के बारे में है वो कश्मीर में कर रहे हैं, अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, कुलभूषण यादव को भेजा, बलूचिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट थी वो एक दुश्मन वाले ही कर सकते हैं, वो दोस्त तो नहीं कर सकते। सिर्फ कल्चर का मिल जाना, मतलब दो भाई आपस में भाई हों लेकिन एक भाई दूसरे को कत्ल कर दे और उसके खिलाफ साजिशें करे, तो ये तो कोई साजिश ना होगी कि हम खाना एक जैसा खाते हैं, हम कपड़े एक जैसा पहनते हैं। मेरी जाती राय में, आपका अपना मौकफ है, आप अपना मौकफ जारी बात है, यू आर एंटाइटेड टू योर ओपिनियन, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ने पिछले 72 साल में हमारी बड़ी कमजोरियों का फायदा उठाया, कश्मीर जैसे मसले में हमें उलझा के रखा, हमें उसने, और खासकर ये दहशतगर्दी की जंग में भारत ने हमारा बहुत जोर लगवाया है, और वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहना चाहिए। आपका अपना एक मौकफ है, जारी बात है मैं उसको नहीं करता, चीन पाकिस्तान का दोस्त है, जारी बात है कभी भी सारी बातें तो एक दूसरे से नहीं मानी जाती ना, एलियन पूरी दुनिया में जो रिलेशनशिप होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। अगर आप ये कहें पॉलिटिक्स, आप भी बोलती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, रिलेशनशिप जो होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। एक वक्त होता है कि घर में भी जो रिलेशन होते हैं वो इंटरेस्ट बेस होते हैं, तो मुल्कों के तो वैसे ही इंटरेस्ट की बेस पे होते हैं। सो चाइना इज ऑल्सो इन इंटरेस्ट पे, वो हमारा दोस्त जरूर है और इंटरेस्ट भी है, लेकिन हमारी चीन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हम उसको ऑनर करते हैं। मैं चलता हूँ एलिया के पास,
एलिया आखिरी, अगर कोई आप आरजू कुछ कहना चाहती है तो आप कह लें। अच्छा, क्योंकि मैं ये ना भी है कि मुझे मौका नहीं दोबारा मिला, मैं आपको पूरा मौका, जो मर्जी आपकी राय है आप उसको कहें। एलिया आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, वो ये है कि ये जो मुझे लेजिस्लेशन और वो जो किताबों के हवाले से, वो जो मुझे हमारे जो एजुकेशन बोर्ड के वो डायरेक्टर साहब हैं उनकी जो मसरूफियात सामने आई हैं, वो जिस तरह हर किताब के पीछे भाग रहे हैं कि जी हमने किताबों को, अगर वो DGPR जाएंगे देखेंगे, पहले भी देख सकते हैं बाद में भी देख सकते हैं, आप नहीं समझती कि इस तरह पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को एक कॉशन आ जाएगा? हर बंदा लिखने से पहले डरेगा, पता नहीं मेरी चीज पब्लिश होगी, या जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी वो उसमें एक जिसे कहते हैं स्टैटिक हो सकती है, लोगों के अंदर खौफ आ जाएगा कि मेरी इस किताब को, मेरे इस कॉलम को, मेरे इस चीज को, कि मुझे बाद में थाने कचहरी के चक्कर ना लगाने पड़े। जी एलिया, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये सवाल करना चाहिए कि ये जो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी किताबें बैन होनी चाहिए, कौन सी, इनकी अपनी क्या एक्सपर्टीज है, इन्होंने क्या पढ़ा है, इन्होंने कौन सी हिस्ट्री है जो ये पढ़ते हैं, उनका एजेंडा क्या है, ये क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को क्या बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि राय मंजूर साहब जो हैं, जो उसके DG हैं पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड के, अगर आपने ट्विटर पे देखा हो तो उनका ट्विटर अकाउंट है, उसके ऊपर से उन्होंने जो है पोर्नोग्राफिक वीडियोज को लाइक किया हुआ है, मतलब वो इस तरह की चीजें खुद देखते हैं, एंटायर इस्लाम की होने की वजह से वो बुक्स के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, लेकिन वो ये करते हैं, उन्होंने खवातीन की पिक्चर्स पे जाके नीचे लिखा हुआ है कि शर्म आनी चाहिए और इस तरह की मोरल पुलिसिंग की हुई है, तो मतलब वो उनका अपना क्या कॉन्डक्ट है, ये भी तो हमें देखना चाहिए ना, ये कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं कि ये कौन सी किताब बैन होगी और कौन सी नहीं, उनकी क्या उस मैटर के ऊपर उनकी क्या इतनी गिरफ्त है, क्या वो सोच अपनी कोई रखते हैं कि कौन सी जो है वो, और उनको क्या पता है पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल जो एक होना चाहिए हमारा लेवल उसके बारे में। आप देखें कि ये एक हमारा डायलेमा है पाकिस्तान का, कि अभी रिसेंटली परवेज हुड बॉय जो है, जो पाकिस्तान के अकम्पलिश तरीन एक प्रोफेसर है, पूरी दुनिया जो है उनकी काम को मानती है, उनको FC कॉलेज से निकाल दिया गया इस बात के ऊपर कि आपका जो वो हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है एकेडमिक रिक्वायरमेंट उसे आप मीट नहीं करते, वो सबको पता है कि किसके कहने पे निकाला गया और वो क्या क्या एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके अलावा आप लाहौर से एक प्रोफेसर एक्टिविस्ट है अमार अली जान, उनको जो है वो FC कॉलेज ने ये कहा कि आप या तो आप अपना एक्टिविज्म जारी रखें या आप यहाँ पे पढ़ाएं, कोई एक चीज चूज करें, और उनको तो पहले भी पंजाब यूनिवर्सिटी से भी निकाला जा चुका है, और ये एक हमारा एकेडमिक फ्रीडम जो है उसके ऊपर ये जरब लगाई जा रही है, और हमारी जो आप देखें कि क्रिटिकल थिंकिंग, तो मैंने जैसे पहले कहा होती नहीं है, जो कराने की कोशिश करता है उसके साथ तो ये धमकियां दी जाती हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज किया जाता है कि आप इन लोगों को ना आने दें, इनको निकालें, और आप उनको फिर अगर वो ना बात माने तो फिर उनको जो है कहा जाता है कि हम आपकी यूनिवर्सिटी को बंद कर, जैसे चैनल्स के ऊपर हमने देखा कि जो लोग होते हैं जो क्रिटिकल हैं थोड़े से वो चैनल्स पे नहीं आ सकते, उनको ऑफ एयर ले जाया गया है, काफी 2-3 साल से ये चल रहा है, और जो अगर आप देखिए मतियुल्ला जान के साथ जो हुआ इस वक्त वो क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट होल एफर्ट ना, मतलब एक पूरा प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है ना, कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग को, सवाल उठाने वाले लोगों को, जो रियासत को चैलेंज करने वाले लोग हैं, जो आपके नैरेटिव को चैलेंज करने वाले लोग हैं, जो अपना अल्टरनेटिव थॉट्स लेकर आते हैं सामने, आपने उनको हर तरह से रोकना है, चाहे आपको उसके लिए जो है वो मतलब फोर्सफुली करना पड़े, जोर का इस्तेमाल करना पड़े, ताकत का इस्तेमाल, रियासत की ताकत का इस्तेमाल करना पड़े, आपने वो करना है, तो ये वो है। और आई थिंक जो आरजू ने शुरू में बात की कि हमारी हिस्ट्री जो है हमें गलत बताई गई, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस बात को जो है वो अब और करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो हम अगर हम आपने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है और हम बैठ के बात यहाँ पे कर सकते हैं बगैर किसी प्रेशर के, तो हमें फिर उसका मौके का फायदा उठाते हुए ऐसी बातें करनी चाहिए जो अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। हमारी हिस्ट्री का एक सिस्टमेटिक तरीके से इरेजर हुआ, हमें बताया गया, हमें गलत हिस्ट्री बताई गई, हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर बहुत सारी बातें जो झूठ लिखी हुई है, हमें बताया गया है कि आपने जो है पाकिस्तान जो है वो उसके अंदर मजहब के नाम पे बनती है, मजहब के नाम पे, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये कायदे आजम का क्या ये एजेंडा नहीं था कि यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको राइट्स दिए जाए। हमने वहाँ पे जो जैसे इंडिया की आप पहले बात कर रहे थे, आई थिंक आरजू का मतलब ये था कि जैसे इंडिया के खिलाफ नफरत के लिए उकसाया जाता है, तो उसके गार्ड में आप कहते हैं कि हिंदू जो यहाँ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं उनके खिलाफ भी नफरत की, अब जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हैं उनका क्या लेना देना कि इंडिया क्या करता है इंडिया से, वो तो हमारे पाकिस्तानी शहरी है ना, उनकी तो हिफाजत और उनकी प्रोटेक्शन इस रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर रेशियल हेट्रेड को प्रमोट किया जाता है,
सिर्फ दूसरी मजाहिब के लोगों के लिए नहीं बल्कि दूसरी एथनिसिटीज के लोगों के लिए। आप देखें पख्तून और मलोच वगैरह जो है काफी टेक्स्ट बुक्स में ऐसा मवाद है जो कि उनके खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेट कर रहा होता है। तो हमने एक रियासत का बयानिया है जिसके अंदर वो आपको बताते हैं कि आप ना कहें आप पंजाबी हैं, ये ना कहें आप सिंधी हैं, पख्तून हैं, आप कहें आप पाकिस्तानी हैं। भाई क्यों ना कहें, हम पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, हम अपनी एथनिसिटी को भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आपकी रियासत का बयानिया इतना कमजोर है कि अगर कोई अपनी एथनिसिटी को सेलिब्रेट करता है, अपनी सिंधी होने को, अपने बलोच होने को सेलिब्रेट करता है, उससे आपकी रियासत खतरे में पड़ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी रियासत का बयानिया इतना कमजोर है और वो उसके साथ कोई प्रॉब्लम है ना, वो फिर ये। तो मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि प्रोग्रेसिव लोग जो हैं उनको इन बातों का आवाज इसके खिलाफ उठानी चाहिए ना। ये मतलब ये एक ऐसी बात नहीं है, अगर आप हमारे जो जैसे ये बिल पास हुआ, ये बिल भी एक इसी सिलसिले की कड़ी है कि आप जो इंतहा पसंद तबका है उसको आप खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इंतहा पसंद जो लोग हैं वो आपको आपको कहेंगे ठीक है आप सही सियासतदान है और फिर आपको इलेक्शंस में आपके लिए वोट करें। सो ये पॉलिटिकल भी है और वो भी है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रियल लाइफ होते हैं। वो ये होते हैं कि लोगों की जानें चली जाती हैं अक्सर। आप मतलब टीवी के ऊपर बैठ के अहमदीज के खिलाफ अगर वायलेंस इंसाइट करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा उससे, फिर उनकी असल जिंदगी के अंदर वहां पे कतर होंगे अहमदी के। और ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं कि उनकी अहमदीज को तो खैर मतलब कोई भी किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं है ना, वो तो मरने के बाद भी प्रोटेक्टेड नहीं होते, वो तो उनकी कब्रों को जाके कब्रों की बेहरमती करते हैं। आप मुझे बताएं कौन से चैनल्स हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं? हमने कोई पॉलिटिशियन भी उसको कंडेम नहीं करेगा, वो नाम नहीं, हमें इजाजत नहीं है कि हम कह सकें अहमदीज को, तो जो करता है उसको फिर मार दिया जाता है उस पर ब्लास्ट। तो ये एक सिस्टमेटिक तरीके से ये एक हो रहा है एक्सट्रीमिज्म को करना है। और ये पंजाब असेंबली का जो बिल है ना, ये उनको बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट को प्रोटेक्ट किया, तहफ्फुज़ इस्लाम के बजाय इसका नाम तहफ्फुज़ इंतहा पसंद होना चाहिए इस बिल का। वैसे मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करूंगा कि ये जो बिल है ये इंतहा पसंद लोगों को के लिए है। देखिए जरूरी नहीं कि सारे लोग तो जो इसको इंतहा पसंद तो नहीं होंगे, लेकिन इसका मिसयूज हो सकता है। मेरा अपनी मेरी जाती राय, आपका अपना मौका है। देखिए मैं बताती हूँ आपको, ये जो इन्होंने किताबें बैन की हैं इसके अंदर, आप देखिए एक तो बिल पास हुआ था उसके बाद अगले दिन उन्होंने 100 किताबें पंजाब के अंदर बैन कर दी, अगर आपने वो खबर पढ़ी जो स्कूल के अंदर पढ़ाई जा रही थी। तो वो किताबें अब कौन सी हैं जो इतने अच्छे से पढ़ाई जा रही थी, इनको पता नहीं चला और अब फॉरन से इनको पता चला तो उन्होंने बैन कर दिया। तो ये मेरे ख्याल से ये अभी रीसेंट एक नई वेव, हमेशा से ही पाकिस्तान की रियासत जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की इजाजत नहीं देती, लेकिन एक रीसेंट वेव आई है जिसमें आप देखें कि हमारा जो एकेडेमिक फ्रीडम है उसको टारगेट किया जा रहा है, प्रोफेसर जो इस तरह के हैं उनको निकाला जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि आप जो है अब ये एक कलेक्शन कॉम्बिनेशन है बहुत दो तीन फैक्टर्स का। एक तो ये है कि हमारी रियासत हमेशा से हॉस्टाइल रही है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और वो नहीं इजाजत देती है, वो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि हम जो है इस तरह के जो इंतहा पसंद लोग हैं उनकी बात मान लें और फिर वो हमें इलेक्शन के अंदर सपोर्ट कर लें और वो हम उनके साथ हो जाएं ताकि हम जो है अवाम का वो जीत सकें। लेकिन ये ऐसे नहीं हो जाता, मतलब इंतहा पसंद कुछ लोग हैं, एक ग्रुप है, वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? वो इतना ताकतवर तब होता है जब रियासत उसको सपोर्ट करती है, जब रियासत बैक करती है ऐसे एलिमेंट्स को। आप मुझे बताएं खादिम रिफी जो तहरीके लबैक पाकिस्तान का है वो क्या अपनी तरफ से वो फैजाबाद में जाके बैठ गया कि मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक आप बिल नहीं वापस लेंगे, और वो मिनिस्टर्स के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वायलेंस उकसाने लग गया? उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? वो कौन है? उसको कहाँ से वोट्स मिले हैं? उसके अंदर कौन सा मैंडेट है कि वो वहां जाए? जब रियासत बैक करती है, रियासत पेट्रोनेज देती है आपके इन ग्रुप्स को, उनको बताती है कि आप कर सकते हैं ऐसे और आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो फिर वो उनके अंदर इतनी जरूरत आती है कि वो ऐसे करें। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। बिल्कुल ठीक है, आपका एक अपना जाती मौकफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये दरअसल जो PMLQ है वो जारी बात है उनकी अपनी पॉलिटिक्स है और वो चाहते हैं कि जैसे ताहिर मलिक साहब पहले कह के चले गए कि ये बेसिकली जो सियासी जमातें हैं जब इनकी लेजिटिमेसी कमजोर होती है, कम होती है सोसाइटी में, या इनको पता होता है वोट नहीं मिलेंगे या हम अपना पॉपुलैरिटी ग्राफ नीचे आ रहा है, तो ये फिर इस तरह की चीजों का सहारा लेते हैं कि ठीक हम उस तरह की खास किस्म की कानून साजी कर लें, कश्मीर पे थोड़ा बोल लें, जो एक पूरी दुनिया में ऐसे जो पोलिटिकल पार्टी जहां जहां पे होती हैं उनको कोई ना कोई ऐसे इशू उठा लेती हैं। सो मेरा ख्याल है ये उस पे है। दूसरा सारा कोई सारे लोग तो इंतहा पसंद नहीं है इसमें, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि माइनॉरिटीज के हवाले से हिंदू हो कोई भी हो जो एक टॉलरेंस होनी चाहिए
उसमें हम कभी कभी कमी देखते हैं और वो नहीं होना चाहिए, जबकि ये नहीं है कि सारे ही जो माइनॉरिटीज हैं वो बड़ी यहाँ पे कोई उनको मुश्किल टाइम देखने को मिल रहा है। माइनॉरिटीज की वैसे नहीं है, मैं मुझे बात मुकम्मल करने दे, आपको मैंने मुकम्मल करने दी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिये माइनॉरिटीज जो है ये, आप अगर आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें कि जी पाकिस्तान में माइनॉरिटी सेफ ही नहीं है, तो ये गलत बात है। अगर आप ये कहें कि जी हाँ कहीं कहीं पे ऐसे होता है, तो ये बात मानने वाली है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी जिन्होंने ये बिल पास कराया है वो भी इंतहा पसंद, सारे इंतहा पसंद, तो वो मेरा इससे, मैं जारी बात है मैं आपके इस मौकफ से डिसएग्री करता हूँ, और माइनॉरिटी वाले भी इस मौकफ से मैं डिसएग्री करता हूँ कि सारे मुल्क में माइनॉरिटीज जो है वो उनके लिए बुरे हालात हैं, और उनको जो है वो जैसे पता नहीं उनको कोई उनके ऊपर तलवार लेके खड़ा हुआ है कि जी अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अपनी मर्जी कर सकते हैं कहीं कहीं पे, जहां पे आप उनको छोड़ें, पाकिस्तान में जो मुसलमान है क्या वो कई जगह पे कमजोर नहीं होते, उनके साथ नहीं ज्यादती हो जाती? मुसलमान ही मुसलमान के साथ कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि माइनॉरिटी कर रही है, तो मुसलमानों के साथ भी हो जाता है। तो ये इसको अगर आप प्योरली एक वो उसे आप माइनॉरिटी का कलर दे देंगे तो शायद वो थोड़ी सी इसमें आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी, आपको देखना होगा, सॉरी टू से लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आपको चेक करना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो केपीके हो, या कहीं का भी एरिया हो, आप जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप जो बता रहे हैं मेरे ख्याल से आप जानते ही नहीं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैंने तो देखिए हाँ देखिए ये हमें मेजर करने का एक कोई हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो बहुत अलार्मिंग है कि माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, कि उनको कौन से सिंध के अंदर फोर्स कन्वर्जन होती हैं। हमें हर हफ्ते कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं आता ना, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को रेटिंग नहीं मिलती उससे, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट इशू नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज इट इज नॉट बीइंग शोन ऑन द टीवी डजंट मीन इट इजंट हैपनिंग। वहां पर जो वहां लड़कियां हैं उनकी जबरदस्ती शादी की जाती है, उनके अंदर फिर वो उनसे जबरदस्ती बयान लिया जाता है कि आप कहते हैं कि आप अपनी मर्जी से गई थी, वो फिर कोर्ट हमारी कुछ नहीं कर सकती, उसके ऊपर हमारा जस्टिस नाकाम हो जाता है। आप देखिए हम पाकिस्तान की सिटिंग हुकूमत जो है उससे ज्यादा वो सबसे ज्यादा ताकतवर तो उनको होना चाहिए ना, हमारी स्टेट मशीनरी को सबसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए ना। अगर वो चाहे कि हम एक एक्सपर्ट अपॉइंट करें अपनी किसी पोजिशन के ऊपर जिसका ताल्लुक किसी माइनॉरिटी फेथ से हो, क्या इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत नहीं देता कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं हुकूमत की पोजीशन के ऊपर, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा? अगर हुकूमत ये चाहे, वो हुकूमत इतनी कमजोर है, हमारी सिटिंग हुकूमत रियासत इतनी कमजोर है कि वो अगर चाहे तो आतिफ मियां को अपॉइंट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मजहबी तबका इतना ताकतवर है कि ये हुकूमत को चलने नहीं देगा। हुकूमत उनसे इतनी वो डरती है, हुकूमत कोई स्टेटमेंट उनके खिलाफ नहीं दे सकती, हुकूमत जो है अपनी बातों से ही जो है वो उनको कर देती है, यू टर्न देना पड़ता है उनको अगर वो करे तो। इससे ये साबित होता है कि ये जो तबका एक्सट्रीमिस्ट होता है ये कितना स्ट्रांग है, और ये इनके व्यूज तो आपको पता नहीं ना, आपको पता नहीं कि खादिम रिज़वी किस तरह की बातें क्रिश्चियन कम्युनिटी के खिलाफ उसने किया जब आसिया बीबी के वर्डिक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, वो कह रहा था कि ये इनको इजाजत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में रहने की। चीमा साहब मेरे अपने यूट्यूब चैनल के शो में जो आए थे हिंदू कम्युनिटी के पिंडी से पिशावर से, उन्होंने अपना नाम हारून रखा हुआ है। मैंने उनसे कहा आपका नाम हारून क्यों है, तो उन्होंने कहा कि उनके हर बहन भाई का पहला नाम मुस्लिम है, उनके जब वो लोग यहाँ पे थे तो उनको किसी मौलाना साहब ने कहा अगर ऐसे नहीं करोगे तो रहना मुश्किल होगा। सिंध में पिछले चार हफ्ते में चार हिंदू लड़के जो 22 साल और 24 साल उम्र थी उन्होंने खुदकुशी की न्यूज आई है, क्यों वहां पे लड़के खुदकुशी कर रहे हैं या मारा जा रहा है कोई चेक नहीं कर रहा? हाँ अगर मुस्लिम होते तो जरूर चेक किया जाता, ये कह देने से कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा से हम बच नहीं सकते। ये चीजें अब इंटरनेट पे निकल आई हैं, अब आप किसी भी न्यूज को नहीं दबा सकते ये कह के कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब तक हम ये चीज मानेंगे नहीं तब तक हम पाकिस्तान को तरक्की नहीं दे सकेंगे, हम आगे नहीं ले जा सकेंगे जब तक हम अपनी गलतियों को मानेंगे नहीं। यहाँ पे माइनॉरिटी के साथ हो रहा है और ये आपको मानना पड़ेगा। देखिये इसमें ये जो एलिया ने बात की कि कोई सदर बन सकता है वजीर आजम नहीं बन सकता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है, जैसे पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक राइट होता है कि अगर जमहूरियत ने एक फैसला कर लिया है कि अगर इस तरह का फैसला है तो वो लोगों की आवाम का फैसला है, तो मेरा ख्याल है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर जमहूरियत ही एक चीज़ है
जो एक आपके पास एक मेजरमेंट है ये नापने के लिए कि जो फैसला किया गया है सही या गलत है, तो ये लोगों पे छोड़ दें जिन लोगों ने ये फैसला किया है। हो सकता है आप, मैं, जैद, बकर, दुनिया में कोई बंदा उस चीज से डिसएग्री करता हो, लेकिन क्या हमें जमहूरी रवायात का और इस चीज का रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया गो के, मैं ये भी समझता हूँ कि हमें ओपननेस देनी चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजों को आड़े हाथ नहीं लेके आना चाहिए। हम 90-95% लोग मुसलमान है, अगर नॉन मुस्लिम बन भी जाए, मैं बात कंप्लीट कर लूं, नॉन मुस्लिम बन भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे क्या होगा। लेकिन ये जो लेजिस्लेशन आई है, जिन लोगों ने लेजिस्लेशन की, या अगर ये पाकिस्तान की अवाम की तरफ से है, तो उसको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इसको इस एंगल से देखा जाए। एक मिनट लूंगी बस आपसे, कंक्लूड करें जी। बस एक मिनट, 30 सेकंड्स मुझे। अच्छा ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, सदर नहीं बन सकता। आप मुझे बताएं कौन सा नॉन मुस्लिम है जिसको आपने टीचिंग में, जिसको आपने मीडिया में, जिसको आपने किसी और फील्ड में आगे आने दिया, और स्पोर्ट्स में भी जहाँ बिल्कुल आपकी मजबूरी हो जाती है कि वो इतना अच्छा खेलता है कि आपको कोई चॉइस ही नहीं रहती, फिर वहां पे आप कहते हैं आज इसको क्रिकेट टीम में ले लो, इसको हॉकी में ले लो, बाकी मीडिया में आप मुझे बता दें कोई आगे गया हो, कोई आगे जाके कोई एंकरिंग कर रहा हो, कोई जर्नलिस्ट रहता हो जिसको हाईलाइट कर सके, या किसी और फील्ड में आप बता दें। छोड़ दें वजीर आजम और सदर, वो तो वैसे भी हमारे अब्दुल सलाम के साथ क्या हमने किया। देखिए जो डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ हुआ या बाकी चीजें, मैं ये समझता हूँ, मुझे मेरी जाती राय में, आप लोगों का अपना मौकफ है, मेरी जाती राय में मुझे ऐसे लगता है कोई सिस्टेमिक वो जो है ना रिप्रेशन नहीं है, कि कोई सिस्टेमिकली या कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सप्रेशन नहीं है कि जी इस तबके को, इस कौम को, इस चीज को, इसको साइडलाइन कर दो, सप्रेस कर दो। हाँ जारी बात है उनका नंबर इतना कम है तो, लेकिन फिर भी जब नंबर कम हो तो रियासत की और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनको मेनस्ट्रीम किया जाए। मेरा ये मौकफ है, उनको और अच्छी जगहों पे आना चाहिए, उनको प्रोफेसर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। अगर माइनॉरिटीज का, मेरी जाती है उनका नंबर कम है, लेकिन नंबर भी तो हमने कम किया है, वो क्रेडिट भी तो हमें जाता है। मैं इसमें एक आपको बात बताऊं, ये बड़ी टेक्निकल बात है, ये जो भारत के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये मैं एलिया आपके लिए भी मैं कहूंगा तो आपको लिंक भेज दो दोनों को, ये जो भारत के इंटीरियर मिनिस्टर है अमित शाह साहब, अमित शाह साहब ने जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल दिया लोकसभा में, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में तो 23% जो थे माइनॉरिटीज थी, तो वो अब कम होकर 3.5% कैसे रह गई। ये बेसिकली रॉन्ग फैक्ट्स हैं, और ये मैं आपको इंडियन सोर्सेस से बता रहा हूं, पाकिस्तानी सोर्स या अपने सोर्स नहीं बता रहा, ये रॉन्ग फैक्ट्स इंडिया कहता है। और मजे की बात सुने, जब 1951 का सेंसस हुआ, मैंने इसमें थोड़ी रिसर्च की, 1951 का जो सेंसस हुआ, एलिया एंड आरजू फॉर बोथ ऑफ यू, उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कट्टे थे, तो जो हमारी टोटल नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो 14.8% थी। और जनाब अमित शाह साहब क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में 23% थे, बांग्लादेश में उस वक्त 26% थे, तो ये तो बन गए 45% या 46% बन गए, तो उनके मुताबिक तो आधा पाकिस्तान और बांग्लादेश तो नॉन मुस्लिम है, और वो कह रहे हैं कि ये कम होके 3.5% रह गए, जबकि कलेक्टिव, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर विद डेटा बता रहा हूं कि ये भारत का जो क्लेम है ये गलत है। ये मैंने इंडियन चैनल्स में भी कहा था कि इंडिया का जो अमित, और मजे की बात है अमित शाह साहब ने भी कोई फैक्ट्स एंड फिगर का डाटा नहीं दिया कि मैंने कौन सोर्स क्या है, खुद ही बोल दिया कि पाकिस्तान में 23% नॉन मुस्लिम थे, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में मिला के 14.5-15% माइनॉरिटीज थी, और जब अलहदा हुआ दोनों तो फिर तो और कम हो गए। मैं ये नहीं कहता कि माइनॉरिटीज के लिए चैलेंज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज और मैं कंक्लूड करता हूं वो ये है कि सिस्टेमिक जो जिसे कहते हैं सप्रेशन नहीं है, मेरी जाती राय में मैं नहीं देखता। हाँ ज्यादती होती है, उनको वो मुकाम मिलना चाहिए जो ज्यादा अच्छा हो, उनको खुद आगे लेके आना चाहिए ताकि उनके अंदर अगर किसी किस्म की कोई कमी है तो वो दूर हो जाए और वो उसी तरह एक्टिव सोसाइटी का हिस्सा बने जिस तरह के बाकी लोग हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एक बड़ी टॉपिक कहां से चलते 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 कहां आ गया, और उसको आपने लाइवली रखा, आपके अपने व्यू हैं, मेरे अपने व्यू हैं, जरूरी नहीं मैं आपके व्यू से इत्तेफाक करता हूं, बड़े रेडिकल बोल्ड
और जो है ना वो तगड़े व्यूज हैं आप लोगों के, जो कि बहुत अच्छा है और यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, लेकिन सारी बात है बहुत सारी जगहों से मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ और आप मेरे से डिसएग्री करते हैं, और इसीलिए कहते हैं लेट्स एग्री टू डिसएग्री, यही जमहूरियत है, यही रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन जो है यही है। एलिया ज़ारा जो कि जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आरजू काज़मी आप भी जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।